मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस घर वापसी अभियान चला रही है। विंध्य में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल घर वापसी अभियान के तहत कई नेताओं को कांग्रेस में वापस करा चुके हैं। साथ ही में घर वापसी अभियान को लेकर सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि जिन लोगों की मानसिकता कांग्रेस के रीति नीति से है उन्हें वापसी कराई जा रही है। और वही इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को डाइवर्ट करना भाजपा की आदत है। सर घर घर वापसी अभियान विंध्य क्षेत्र में चल रहा है, क्या मानते हैं? घर वापसी अभियान नहीं है, आपकी चैनलों के माध्यम से ये बात जरूर कही गई है कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं, उन लोगों के लिए खुले हुए हैं जिनका मन आज भी कांग्रेस के साथ है। जो लोग गलतफहमी की वजह से कांग्रेस छोड़ के अन्य दल में चले गए थे, वो लोग जिन्होंने कभी दूसरे दल में जाने के बाद कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल बकवास नहीं की, वो लोग यदि आना चाहते हैं तो आए, पर लेकिन वो लोग जिन्होंने अपना जमीर अपना अस्तित्व बेच दिया था, वो विधायक बिकाऊ विधायक, उनमें से एक भी यदि वापस आना चाहेगा तो एक को भी नहीं लिया जाएगा, ये हमारा उद्देश्य है। सर घर घर चलो घर चलो घर घर चलो अभियान जो 1 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें एक मिनट तो कर भाई सर उसकी किस तरह से, क्योंकि बीजेपी जो है बूथ तक जा रही है, आप घर तक जा रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि 3 दिन से मध्य प्रदेश में चल रहा है हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है, राजनेताओं को मर्यादित व शिष्टाचार की राजनीति चाहिए करनी चाहिए। शिवराज जी ये क्या, यानी ये जो ट्वीट है सर ये क्या किस तरह से, क्योंकि गृहमंत्री तो कह रहे हैं कि सर ये उन्होंने दिग्विजय सिंह पे है ना अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। सर नहीं नहीं, देखिए कैसे हो सकता है, सीधे सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपरिपक्व हैं श्री शिवराज जी चौहान पे, उन पे सीधा सीधा तीर चलाया है कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री को क्या इतनी कटसी भी नहीं है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री यदि तुम्हारे स्टाफ को फ़ोन लगा के बोलता है कि भाई मुझे मिलना है, और शिवराज का कहना मुझे तो स्टाफ ने कभी बताया नहीं, तो ऐसा कमजोर स्टाफ रखने से तो शिवराज डैमेज हो रहे हैं। पर नरोत्तम मिश्रा तो कह रहा है कि उमंग सिंघार के निशाने पर दिग्विजय सिंह है। सर देखिए नरोत्तम मिश्रा कोई इंसाइक्लोपीडिया है क्या? नरोत्तम मिश्रा क्या है? अरे भाई एक प्रदेश के मंत्री हैं, अब उनके कहने से यदि मीडिया मान ले या और कोई मान ले कि ये निशाना इधर है, तो इनकी आदत तो मसले को डाइवर्ट करने की है। देश में बेरोजगारी है तो उसको डाइवर्ट करेंगे, देश में महंगाई है तो उसको कोई डायलॉग मार के डाइवर्ट करें। कोरोना से 60 लाख लोग मरे तो कितने नहीं, 10-20 हज़ार लोग मरे देश में, तो ये तो इन लोगों कांग्रेस में सब बढ़िया है। सर कांग्रेस में ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक। सर उत्तर प्रदेश सहित 5 विधानसभा उस प्रकार से जिस प्रकार से बीजेपी तैयारी कर रही ये है सर, तो मात्र औपचारिकता भाजपा की है दिखाने के लिए कि बूथ पे जा रहे हैं। शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत की मेरी विधानसभा सोनकच विधानसभा के ग्राम चिड़ावत से की, इसलिए क्योंकि मैं भी हर 15 दिन में बुधनी पहुंच जाता हूं, तो उन्होंने चालू की, लेकिन कोई बड़ा फ़र्क या बड़ा अंतर उनके वहां जाने से आया नहीं, उल्टे लोगों ने विरोध किया था वहाँ। आप देखिए ये क्या बीडी शर्मा नाम है अध्यक्ष का, इसके क्षेत्र में कितने नारेबाजी इसके खिलाफ, बूथ चलो, अरे तुम कभी गए ही नहीं हो चुनाव जीतने के बाद, तो ये ढोंग मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का, उसके खिलाफ ही नारे लग रहे हैं। हमारा अभियान घर घर तक पहुँचने का है, उन लोगों तक जो लोग पीड़ित हैं दुखी हैं, किसान हैं नौजवान हैं, इन सब से हम अपना लिटरेचर देंगे कांग्रेस का, उनसे बात करेंगे कि क्या किन तरह की तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। बाल कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ रहेंगे, इसलिए बाल कांग्रेस का भी इसमें साथ में है क्योंकि इस समय आरएसएस संपूर्ण देश में माता पिता पे दबाव डाल के 10-10, 12-12 साल के बच्चों को आरएसएस की शाखा में बुलाती है, डर के मारे माँ बाप भेजते हैं कि कुछ कर देंगे आरएसएस वाले, उनके दिमाग में आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी आरएसएस मंदिर मस्जिद उछड़ती है,
हिंदू मुसलमान घुसेड़ती है, ये जहर। और एक तरफ भागवत जी अखंड भारत की कल्पना करते हैं, इस तरह अखंड भारत होगा या विष भरेगा बच्चे में? तो बाल कांग्रेस के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद हमें विकास की आवश्यकता है, हम बड़े हो रहे हैं, हमें रोजगार की आवश्यकता है। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से देश नहीं बनता, ऐसे कई इसके साथ हमारे मुद्दे जुड़े हैं। सर किस तरह से, सर क्या तैयारी है, सर कितने नेता जा रहे हैं सर अपने उत्तर प्रदेश में? देखिए कहीं ना कहीं सबकी किसी न किसी प्रदेश में ड्यूटी लग रही है, जहाँ जिसकी उपयोगिता है सारे लोग जा रहे हैं। और अब तैयारी तो देखिए, हम लोग तो विपक्ष में हैं, पंजाब को छोड़ दें तो हम लोग विपक्ष में हैं सब जगह। और हमारी तैयारी, प्रियंका जी ने खुद उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रखी है, वो बड़ी दमदारी से, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। सर उत्तर प्रदेश चुनाव में सर मध्य प्रदेश से कौन कौन से बड़े नेता जाके सर वो कर रहे हैं? सर सभी जा रहे हैं। देखिए कमलनाथ जी अभी 2-3 बार हुआ है, दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं, हमारा मेरे शहर के सत्यनारायण पटेल राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, प्रियंका जी के साथ वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। हम सारे लोग, हमारी यूथ कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, सब घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।